हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्वेलरीज को ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं जो ज्वेलरीज है उनका अच्छे से आउटलाइन बनाऊंगा। अभी मैंने आउटलाइन के टाइम उतना ज़्यादा डिटेल में आउटलाइन ड्रॉ नहीं करा था, अभी मैं बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन को ड्रॉ कर लूँगा। तो गाइस, आउटलाइन के बाद हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो इसलिए हम जो एक एक मोती है उनको वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। पहले मैं एक पे बिल्कुल अच्छे तरीके से शेडिंग करूँगा, डार्क एरियाज लाइट एरियाज को अच्छे से शेड करूँगा और फिर हाईलाइट दूंगा। तो इस तरीके से मैं वन बाय वन ड्रॉ करूँगा। तो इस तरीके से हम अगर ड्रॉ करते हैं तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम लगा के ड्रॉ कर पाते हैं। तो आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और गाइस, ऐसे काम करने के लिए जहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में ज्वेलरीज है, तो ऐसी ड्राइंग जब भी बनाते हो तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम देखते हो कि इतना टाइम हो गया, अब मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल भी आप अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाओगे। आप एक ड्राइंग में जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना टाइम ही दो, तब जाकर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा बनेगा। तो गाइस, यहाँ पर ज्वेलरी पे थोड़ी देर काम करने के बाद मेरा जो पेशेंस लेवल है बिल्कुल डाउन हो चुका था। तो ऐसे में अगर मैं ज़बरदस्ती ज्वेलरी पे काम करूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैं बाकी पोर्शन को कवर कर लूँगा यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर मैं क्लॉथ को भी कंप्लीट कर लूँगा। पहले अच्छे से ऑब्जर्व करूँगा कि कितना डार्क शेड मुझे करना होगा, उतना डार्क मैं शेड करूँगा और फिर मैं डिटेलिंग करूँगा और फिर बाद में शाइन प्रोवाइड करने के लिए मैं जेल पेन का यूज़ कर लूँगा। तो गाइस, अब मैं दोबारा से ज्वेलरी पे काम करूँगा, अब मैं अच्छे से टाइम भी दे पाऊँगा। तो इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हो। जब भी कुछ चीज़ ड्रॉ करने का मन नहीं करता है तो आप दूसरे पार्ट को ड्रॉ कर लो। और गाइस, जो ज्वेलरी है उनको बिल्कुल सेम बनाने का ज़रूरत नहीं है, मतलब कि रेफरेंस में जैसा है वैसे हमें बनाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रेफरेंस फोटो से ओनली यह आइडिया लो कि आपको क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करना होगा, कहाँ से लाइट आ रहा है, कहाँ पर शैडो गिर रहा है, कहाँ पर हमें हाईलाइट देना है। बाकी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस, ज्वेलरीज का जो राइट साइड वाला पार्ट है वहाँ पर हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो लाइट है वो राइट साइड से आ रहा है, जिस कारण ज्वेलरीज का जो राइट साइड वाला पार्ट है वो उतना ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और ड्रॉ करेंगे।
तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का ड्राइंग पसंद आएगा। ड्राइंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस तरह का ड्राइंग वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और ये ड्राइंग आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।